नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहता हूं। मेरा नाम है मेजर डॉक्टर प्रवीण प्रतीप हूं। मैं एक दांत का डॉक्टर हूं, चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं फौज में शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, अभी चेन्नई में मैं सेटल हो चुका हूं। ये टॉपिक में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आजकल काफ़ी सारी सुसाइड की आत्महत्या का काफ़ी सारी मैसेजेस न्यूज़पेपर में टीवी में हम देख रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत दुखी हुआ। इसका कारण मैं आप सबका थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस और आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन करके मैं आपको थोड़ा सोचने का मैं कोशिश करने के लिए ये वीडियो लगाया है। ये वीडियो दो तरीके का आदमी का काफ़ी यूज़ में आएगा। ये वीडियो जो देख रहे हो इसमें, इस वीडियो आप देखने वाला है, इस वीडियो में देख के शायद आप सुसाइड करने का सोच के गलती से ये वीडियो आपका अंक में लग गया। मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखो। मैं आपको थोड़ा बोलना चाहता हूँ, और ये वीडियो ऐसा आदमी भी देख सकता है जो जिसका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स काफ़ी डिप्रेस्ड है, और काफ़ी इसको आइडेंटिफिकेशन कैसा कर सकते हैं, लोग कैसा इसको डील करते हैं, वो भी आपको मैं ये पॉइंट देना चाहता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा ज़रूर देख लीजिए। कृपया आप, ये हिंदी में मैं कर रहा हूँ, मेरा भाषण में थोड़ा गलती है तो थोड़ा माफ़ कर लो, क्योंकि मेरे को हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है। जो मेरे को हिंदी आता है उस हिंदी में मैं बात करना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए वर्ड्स के मैं गलत यूज़ किया। मैं साउथ इंडियन हूँ, ज़्यादा हिंदी नहीं आता, थोड़ा कृपया माफ़ कर लो। ओके, फर्स्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सुसाइड क्या होता है। सुसाइड अपना खुद का सेल्फ किलिंग कर लेते हैं, जैसे आत्महत्या बोलते हैं। मगर ये क्यों करते हैं लोग इतना आसान से करते हैं क्या? हम सोचते हैं जो सुसाइड किया ना, हम बोलते हैं वो साला बहुत डरपोक है, ही इज़ अ कोवर्ड, ही इज़ फिट फॉर नथिंग, सो वो इसको क्यों किया। हमने देख रहे सिनेमा एक्टर्स, एक्ट्रेस, बिजनेस पीपल, डॉक्टर्स, कोई भी सुसाइड जो करते हैं ना, सुसाइड ऐसा चीज़ है, प्रोफेशन देख के नहीं आता है उसका थॉट्स ना, सुसाइड एक ईविल थॉट है, पहले वो समझ लीजिए। क्योंकि आपका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ में समझ में आने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। क्या कि मैं एक चीज़ मैं सोचा, एक दिन हमने जब पैदा हुआ हमारा फादर का स्पर्म से, आप सोच लीजिए कितना सारे स्पर्म हमने स्पर्म्स को जीत के हमने पैदा हुआ। सिर्फ एक ही स्पर्म, मिलियन स्पर्म से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं मदर्स का जो एग को। मगर मैं एक दिन सोच रहा था, लोग क्यों इतना बुरा सोचते हैं खुद ही के बारे में, वाई पीपल आर थिंकिंग सो लो ऑफ देमसेल्फ। मैं ये सोच के थोड़ा सा मेरे दिल में दुखी इसलिए हुआ कि लोग इतने इन्फीरियर जो फील किया, लोग जो अपने बारे में बहुत इन्फीरियर फील करके ये कर रहे हैं ना, इसलिए मैं सोचा ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये इन्फीरियरिटी फीलिंग जो है, इसको क्यों, कैसा मैं हटा सकते हैं। थोड़ा मैं पहले बोलना चाहता हूँ, हम सब जीत के आया था, हमने काफ़ी सारी स्पर्म्स को जीत के हमने पैदा होके आया है। और हमारे लाइफ में एक चीज़ आप, एक कॉन्सेप्ट आप समझ में आना चाहिए, हमेशा लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट फाइटिंग। हम हमारा पापा से जब हम पैदा होके आए थे, काफ़ी सारी स्पर्म फाइट करके हमने पैदा हुआ, ठीक है। आप सोच लो कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, आप देख लो कितने बच्चे स्टिल बर्थ होते हैं, जैसी बर्थ होके मर जाते हैं, कुछ लोग 30 डेज में मर जाते हैं, कुछ लोग बचपन से ही मर जाते हैं काफ़ी फीवर वगैरह होके। मगर आप सोच लो अभी आपका उम्र शायद 20 होगा, आप एक अडल्ट आदमी हो, कितने सारी स्ट्रगल्स आप इतना दिन क्रॉस करके आया है, ये कभी थोड़ा आप सोचना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल, इट्स ऑलवेज अ फाइट। मैं एक इंडियन आर्मी में काम करके आने वाला एक सोल्जर था, आया हुआ एक सोल्जर है। आप सोच लो, हमको ये बोलते लाइफ आर्मी इज़ अ वेरी सैक्रिफाइशियल जॉब, यू हैव सैक्रिफाइस सो मच ऑफ कम्फर्ट्स, अब कम्फर्ट सब छोड़ के आप ये जॉब के आया है। इस जॉब का गिफ्ट जो है एक सेटिस्फैक्शन ही है, जैसे आप देश के लिए सेवा कर रहे हो, लेकिन आपका सेवा का टाइम में ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जिंदगी को भी आप सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम
एक अच्छा कॉज का हमने हमारा लाइफ को सैक्रिफाइस करना, वो हम बोलते हैं बहुत इट्स अ करेज, ये सब बोलते हैं, मगर जब हम दुखी होके मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, तब क्या बोलते हैं, हमको डरपोक बोलते हैं लोग, हमको डांटते हैं, ये साले इसको क्यों ऐसा पागल हो गया करके, ठीक है। सो सुसाइड का अंडरस्टैंड करने के लिए कि 10 लाख 1 मिलियन लोग जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं 1 मिलियन लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ ये वीडियो देख के कम से कम एक आदमी या कम से कम कुछ आदमी लोग सुसाइड करना बंद करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जो सोल्जर्स जो मरते हैं बॉर्डर एरियाज में वो सुसाइड नहीं करते, देश के लिए हम जाके मरते हैं, मतलब उसको दुश्मन इतना हमको तंग करते हैं, मेरा जिंदगी जाने तो भी जब मैं जाके उसको लड़के मेरा बाकी जो जनता है मेरा पीछे जो कितने लोग हैं उसको मैं बचाऊंगा करके वो उसको जाके फाइट करते हैं। मैं ये आप जो सुसाइड करने का सोच रहे हो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपका दिल में भी ये सोच लो, आपका पीछे काफ़ी सारे जिंदगियाँ जुड़ा हुआ है, आपके बच्चे का हो सकता है, आपके पापा मम्मा का हो सकता है, आपका भाई बहन का हो सकता है, आपके रिश्तेदार का भी जिंदगी जुड़ा हुआ है आपके वजह से। आप ऐसा करोगे तो कितना नुकसान उन लोगों को पहुंच जाएगा, कितना गलत नाम उसको पहुंच जाएगा, लोग जिंदगी भर उसको बोलते रहेगा ना, जिंदगी भर क्या बोलेगा ये जो सुसाइड वाला करना ना या उसका घर रह करके, आप सोच ले कितना हम गलत नाम करके जा रहे हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ लोग मर जाते हैं सुसाइड करके भी मर जाते हैं ना, उसका देश के लिए अपने आप उसका सेवा के लिए भी मर जाते हैं, लेकिन कॉस्ट जो आप मरते हो उसके पीछे कितना सारी बुरा नाम हम बन सकते हैं या अच्छा नाम हम बन सकते हैं, आप थोड़ा सोच लो, ये करना ज़रूरी है, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मैं आपको ये बोला कि आपका हमेशा प्रॉब्लम का कोई कम नहीं होता, आप जो जिस प्रॉब्लम का सुसाइड करना चाहते हो ये प्रॉब्लम शायद आप सॉल्व कर दिया तभी ज़िंदगी में दूसरा प्रॉब्लम आ जाते हैं। आपने एक गेम देखा होगा, बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसा चीज को खेलते हैं, जैसे छोटे छोटे तीज ऐसे उठ जाते हैं, हमने एक हैमर लेके मारते हैं, ये हैमर वाला नीचे जाएगा दूसरा ऊपर आएगा, फिर इसको मारते तीसरा आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ किसी का लाइफ में प्रॉब्लम का कोई काम है क्या, सिर्फ आप बोलते हो मेरा प्रॉब्लम आप समझ में नहीं आएगा, मेरे को इतना प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ जिंदगी में लोग सब जो सुसाइड करते हैं उनका मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, वो क्या है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लिए है, बाकी दुनिया सब आराम से है, एवरी वन इज़ थिंकिंग दैट आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ हैविंग द प्रॉब्लम। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ एवरी वन हैज़ गॉट प्रॉब्लम्स। सी ये देखो, ये इसके अंदर से श्वास लेते हैं ना हम, ये श्वास जब हम अंदर लेते हैं जो भी जिसका श्वास है उन लोग का सबका प्रॉब्लम है, जो डेड बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका श्वास नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ सबका प्रॉब्लम है। सो आप ये सोच लो ठीक है मेरा प्रॉब्लम मैं कैसा सॉल्व करूँ, यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग को पता नहीं है इसलिए आप मर जाते हो, आप आत्महत्या कर जाते हो, क्योंकि आप सुसाइड करने के लिए इसलिए चाहते हो कि इधर यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम से भागना चाहता हूँ ठीक है। आप मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, द बेस्ट वे टू हैंडल अ प्रॉब्लम इज़ टू फेस द प्रॉब्लम, द बेस्ट वे टू हैंडल अ प्रॉब्लम इज़ टू फेस द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम को आप ज़रूर फेस करो, क्योंकि आप फेस करने से ही आपको पता चलेगा आपका स्ट्रेंथ कितना है। मैं एक चीज़ बोलूँ, 2015 में एक ही दिन में चेन्नई में काफ़ी फ्लड्स आ गया, मेरा घर के बाहर इतना सारी पानी था, मैं पानी में डूब के एक जगह में मैं फंस गया, मेरा बीवी बच्चे एक मेरा घर में फंस गया, मैं उन लोगों को देखने के लिए मैं बहुत बुरा हालत हो के मैं वॉकिंग करके मेरा घर में आया था। उस टाइम मेरा घर के सामने इतना पानी था और आते आते इतना पानी हो गया, मैं ऐसे खड़ा होके कैसे भी मैं घर के अंदर पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे, मैं आपको पता है ये जो क्लिनिक आप देख रहे हो ये पूरा पानी में डूब गया, बहुत सारे पानी है, ये टेबल जो है ये टेबल के ऊपर तक पानी था, ये टेबल के ऊपर पानी आते वक्त मैं आके 2 दिन के बाद मैं देखा मेरा घर के अंदर पानी है, मेरा कार में पानी है, मेरा क्लिनिक के अंदर भी पानी है। मैं एक चीज़ बोलूँ, मेरा मन में क्या था कि भगवान जो मेरे को बनाया है ये सब मेरे को ये सब चैलेंजेस के, उनको पता है इस साल में इस उम्र में ये ऐसा ऐसा चैलेंजेस मेरा लाइफ में आएगा। मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ, क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम मेरा लाइफ में होते है वक्त मैं क्या सोचता हूँ, इस प्रॉब्लम में मेरे को लेसन्स क्या है। मैं बता दूँ मैं आपको, ये प्रॉब्लम जो मेरे को हुआ था उसका कारण मैं काफ़ी हार्ड वर्क करके
मैं कैसे भी ऊपर आने के लिए, मैं सर्वाइव करने के लिए काफ़ी चीज़ मैं करना पड़ा, जैसे मेरा मार्केटिंग चेंज किया, मेरा क्लिनिक का पूरा सिस्टम्स बनाया, सब कुछ किया, वो उसको मैं दूसरे लोगों को शुरू किया सीखने के लिए। अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे डॉक्टर फील्ड में काफ़ी लोग बहुत परेशानी में हैं, जैसे डेंटल डॉक्टर लोग हैं, उन लोग पढ़ के आते वक्त ना उसको 10,000 भी नौकरी में नहीं मिलता है। अभी एक कुछ आदमी लोग ऐसे 10 लाख हमारे एक महीना में, आप देख लो दोनों एक ही डिग्री पढ़ा हुआ है, बट इनका 10 लाख आ रहे, इसका 10,000 आ रहे, फिर 10,000 वाला पूरा आत्महत्या करेगा ना। मैं इसलिए एक वॉलंटियर करके सबको मैं क्लास करता हूँ, मेरा ऐसे वीडियोस बना के देता हूँ जो मेरा हाथ में है, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपका प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इसलिए आप आत्महत्या करने के पहले एक बार सिर्फ आप सोच लो, सिर्फ आप एक बार सिर्फ ये सोच लो, आत्महत्या मत करो, ताकि ये प्रॉब्लम का मैं कैसा भी सॉल्व करके दूसरों को भी मैं आशीर्वाद दूंगा, दूसरों को आशीर्वाद बना दूंगा। अभी लोग मेरे को बोलते हैं, सर आपका जो क्लासेस है मेरे को आशीर्वाद है, ये मेरा बरकत है, ये इट इज़ प्रॉस्परिंग मी बिकॉज आई एम एबल टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। आप जो किया मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, इसके कारण मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मैं तीसरा चीज़ आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको एक चीज़ याद रखो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम का कम नहीं है, और आपका प्रॉब्लम दूसरा का ब्लेसिंग आपको करने में ही आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। बिकॉज आप सेल्फिश आदमी है, किसी से आपको इसको बोलने का कोई मन नहीं है, इसका आपको हेल्प लेना नहीं चाहते हैं, मगर पूरा दुनिया आपको कुछ करने के लिए आप सोच रहे हो। आप मैं ये चीज़ बोलूँगा, आपका प्रॉब्लम एक्सेप्ट करो पहले, आपका प्रॉब्लम जो भी, आपका बीवी से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका बच्चे से प्रॉब्लम हो रही है, आपका तबीयत के वजह से आपका प्रॉब्लम हो रही है, आप डिनेयल में मत पड़ा रहना, मेरे को क्यों हुआ, मैं क्या गलती किया, भगवान ने मेरे को क्यों ऐसा बनाया करके आप मत सोचना, क्योंकि हर एक चीज़ में एक अच्छा चीज़ पक्का हो जाता है। मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग हैं ना उसका कोविड का पॉजिटिव देके वो क्या हो सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ आप मत कर लो, क्योंकि आप डिसीज़ के द्वारा मर गया तो हम बोल सकते हैं डिसीज़ के द्वारा आदमी मर गया, लेकिन आप खुद ही आपको आत्महत्या करने से कितना नुकसान है, कितना दुखी हो जाते हैं आपके घर वाले, कितना लोग दुनिया में फाइट करके लाइफ में आगे आते हैं। निक वजीचिच करके एक आदमी है, उसका बचपन में उसका मदर ने थैलिडोमाइड का टैबलेट खा के, उसका दो पैर नहीं है, दो हाथ नहीं है, सिर्फ ये शरीर है, ये हेड है, इसका नीचे जो बॉटम लेग्स नहीं है और इस तरफ इसका हाथ भी नहीं है। आज ये न्यूजीलैंड में से वो अमेरिका में सेटल होके एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। क्योंकि पता है, हमेशा हर एक आदमी का बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। ये का बिलीफ सिस्टम मतलब आप जो विश्वास करते हो वही बिलीफ सिस्टम है, आप भगवान से विश्वास करते हो वो एक बिलीफ सिस्टम है, आप सेल्फ का विश्वास करते हो वो बिलीफ सिस्टम है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपका सुसाइड करने का सोच रहे हो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपका आत्मा में कभी हमेशा हैप्पीनेस नहीं रहेगा। आप सुसाइड करने के बाद भी आपका दिल में वो दुख नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम बॉडी में शरीर में हमको तीन चीज़ है, एक हमारा शरीर है, एक हमारा माइंड है, एक हमारा आत्मा है। जब हम सुसाइड कर लिया, हमारा माइंड का काम रुक जाता है, हमारा शरीर मर जाता है, और हमारा आत्मा में जो भी हमने गलती किया, अच्छा किया, वही दिल में रुक जाता है। आपका आत्मा शांति नहीं होगा, फिर आप ऐसे घूमते रहेंगे क्या, भगवान के पास कैसे जाएंगे, आपके पास भगवान का बिलीफ नहीं है, आप क्यों किस पर्पज़ के लिए दुनिया में आए पहले बार सोच लो। आप कोई भी पर्पस नहीं देखा, आप मैं बोल रहा हूँ जो आत्महत्या कर रहे हो ना, आपका पास ठीक से पर्पस नहीं है, आपके पास एक अच्छा सा पर्पस है, आप आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है पर्पस को करना है, आत्महत्या नहीं करेंगे। आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई भी ताकत नहीं है, यू नो गोल खुद ही के लिए बनाते हो तो आप का पक्का ना पक्का मरने का काफ़ी चांसेस है, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ना आपका वीकनेस हो जाता है। लेकिन दूसरे किसी का आपने एक, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं दूसरे का पेशेंट्स के लिए मैं सेवा करने के लिए आज बैठा हूँ, मुझे पता है किसी के मुँह के पास जाने से मेरे को कोरोना वायरस हो सकते हैं, तभी मैं क्या बोलूँगा, मेरा डॉक्टर क्यों पढ़ा, मेरा पर्पस मैंने थोड़ा रिविजिट करके देखा, मेरा पर्पस जो है वो सिर्फ आत्महत्या करने के लिए नहीं, मेरा पर्पस डॉक्टर का सेवा करने के लिए है। इसलिए मैं जाऊंगा, कुछ भी होता भगवान के ऊपर मैं मेरा प्रोटोकॉल्स में फॉलो करूंगा, और भगवान के प्यार से मैं जाके मैं मेरा सेवा करूंगा, यही मेरा दिल का खुशी है। आपका पर्पस थोड़ा देख लो, और इस ये चीज़ तीन चार चीज़ आप याद रखना है,
आप ऑलरेडी जीत चुका है भाई साहब होने से, आप ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर चुका है, प्रॉब्लम तो आते रहेगा, सो जिंदगी में ये नहीं होना। तीसरा आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका पर्पस थोड़ा रिविजिट कर लो, आपका आपका ज़िंदगी में थोड़ा सा पर्पस बना लो, है ना। ये प्रॉब्लम के पीछे एक हमेशा एक ब्लेसिंग बैठा हुआ है, चार चीज़ याद रखना। ये वीडियो अभी तक मैं बात किया आत्महत्या करने का सोच के जो आइडिया रखा है इन लोग कहले है, अभी अभी 15 मिनट में हो चुका हूँ, अभी मैं ये अभी 4 मिनट या 5 मिनट और बात करूँगा। ये आप जो जिसका फ्रेंड्स के लिए आप देख रहा है ये वीडियो अभी तक आपने देख रहा हो, आपका फ्रेंड्स का कोई भी किसी ने मिथ एंड फैक्ट बोलता हूँ, पीपल हु टॉक अबाउट सुसाइड वोंट रियली डू इट। काफ़ी लोग सोचते सुसाइड वाला करने को वाला बोलते नहीं, हमेशा बोल रहा हूँ काफ़ी सुसाइड वाला सुसाइड का पहले उनका फ्रेंड्स का फैमिलीज के साथ कुछ तो कुछ बोलता है, जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इट्स बेटर आई थिंक आई विल किल माई सेल्फ, आई एंड यू डोंट फील सॉरी इफ आई एम गॉन करके, ऐसा स्टेटमेंट्स जो देते ये स्टडीज़ में आया है। सेकेंड मिथ है, हम सोचते हैं सब जो पागल लोग ही खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, नो पागल लोग नहीं है, अच्छा ब्रेन वाला आदमी है, अच्छा सा पढ़ने वाला है, डॉक्टर्स है, आईआईटी लोग है, बिजनेस पीपल है, काफ़ी अमीर लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग दिल में बहुत अपसेट हो चुका है और उनका दिल में बहुत दुख है और डिस्पेयर होके और डिप्रेस होके वो कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा मिथ मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग सोच लिया हम खुद ही आत्महत्या करने के लिए, उन लोगों को हम रुक नहीं सकता, ये फेट है, ऐसा नहीं, ऐसा आप मत सोचना, क्योंकि स्टडीज़ में क्या बोल रहा है, दो आत्महत्या करने का पहले ना काफ़ी लोग उन्हीं का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं फर्स्ट वीडियो में बोला आप फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, हेल्प सीख लो, वो हेल्प सीखने का टाइम में आके बात करते तब आप लोग उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करके ना उसको मेडिकल हेल्प दे सकते, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स वगैरह कर सकते और डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास हम जाके ले सकते और हम सीक्रेटली उन लोगों को काउंसलिंग भी दे सकते हैं। हम अभी सुसाइड के बारे में कुछ लोग से बात करने से हमें खुद ही उनको आइडिया देना, ये मिथ नंबर 4 है। मतलब क्या है, आप किसी का सुसाइड करने का हमने उसके बारे में आप बात किया तो ये न सोचना वो आप उन्हीं का आइडिया दे रहे हैं, नहीं ये अपोजिट है, आप ऐसा बोलने से ना थोड़ा सा वो आपको सुनना शुरू करेगा, जो सुसाइड करने वाला आदमी है लिसनिंग मोड में रहते हैं, कुछ तो आइडिया मिलेगा, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ क्या कर सकते करके ये सब सोचते हैं, ठीक है। तो वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। जो सुसाइड के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं वो करने का सोच रहे हैं उससे पूछ लीजिए, आप कोई प्लान किया क्या, वैसी रस्सी से या कोई चाकू से या कोई दवाई से या कोई रैट पॉइजन वगैरह, ठीक है, और आप पूछ लीजिए। और वो डेथ का बारे में कोई आदमी ऐसी फोकस कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। जो तीसरा क्या है, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बोलते रहेंगे, नो फ्यूचर नहीं यार, अभी तो ख़त्म हो गया, मेरा नौकरी ख़त्म हो गया, आजकल ये कोरोना वायरस के बाद ये हो गया वो हो गया, कुछ बोल रहे आप सोच लो वो शायद ये कर लेगा। फ्यूचर के बारे में कोई किसी ने बात कर रहे वो पक्का करने का बहुत सारी प्लान है उसका। तीसरा क्या है, किसी ने ना थोड़ा उसको जा रहे करके, थोड़ा बुड्ढे लोग क्या करते हैं विल वगैरह लिखते हैं और बीवी बच्चों का कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, ऐसी फिर सबको बाय बाय बोल लेते हैं, जैसी सडनली आके देखते किसी से बात करते या जाके अचानक कॉल आ जाते हैं आपको, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जैसी ज़्यादा दारू पिएगा, अनसेफ सेक्स करेगा, जल्द गाड़ी बुड़ी जाएगा और ज़िंदगी हुआ मैं ऐश करूँगा, मैं एंजॉय करूँगा, ये सब बोलेगा, ठीक है। और किसी लोग ना ऐसी सडन सेंस ऑफ काम हो जाएगा। सो द फर्स्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, उनसे बात कर लो, स्पीक अप इफ़ यू आर वरीड, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ लो, क्वेश्चंस में दो तरीके होते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपका मन में क्या दुख है भैया बोलो, ये ओपन एंडेड है, वो मुंह खोल के आपसे बात करेगा। दूसरा क्या है, आप सुसाइड करना चाहते हो क्या, नहीं, यस आर नो क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में काफ़ी आइडिया आपको मिलेगा उसके बारे में, क्वेश्चंस पूछ के उसका डीप मन में जाके आप बात कर लो, उसके बारे में बात करके उसको थोड़ा आइडिया उसको क्लियर कर दो, और उसको उसको बोलना आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ,
अब उसका थोड़ा अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स देना है, ठीक है, इसको बोलो मैं आपका जो आपका दिल में जो हो रहा है वो दुखी वो मैं सोच आई कैन एबल अंडरस्टैंड दिस बट आई केयर फॉर यू एंड आई लव यू. यू नो पीपल लव के बिना सुसाइड करते हैं. सो लव एक्सप्रेस कर लीजिए और क्विकली रेस्पॉन्ड कर लीजिए और उसके बारे में कोई टाइम फिक्स किया है वो सब पूछ लीजिए, ठीक है. और इसका चार लेवल की सुसाइड लोग होते हैं. पहले उसको सुसाइड करने का ये होता है लेकिन कोई प्लान नहीं है. दूसरा क्या है, सुसाइडल थॉट्स होते हैं, थोड़ा सा प्लान रहेगा. तीसरा क्या है, सुसाइडल थॉट्स रहेगा और बहुत पक्का प्लान करेगा, जैसे ट्रेन में जाके मरूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा. तीसरा क्या है, फोर्थ वन क्या है, बहुत पक्का स्पेसिफिक प्लान करके उसका लाइफ का सब सेटल करके काफ़ी सोचेगा मैं क्या करना है, ऐसे ऐसा करना है सब, ठीक है. सो ऑफर हेल्प करना, सपोर्ट करना और उसका मेंटल इलनेस, अल्कोहलिज्म वगैरह और उसका फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी ने सुसाइड किया ये सब चेक कर लेना. कोई कोई स्ट्रेसफुल इवेंट उसका लाइफ में हुआ उसको सपोर्ट कर लीजिए और उनका सोशल आइसोलेशन कर सकते हैं. अभी मैं थोड़ा पर्सनली थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ. ये सब जगह में कर रहे हैं मगर ये सब ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा. मगर एक चीज़ हेल्प करेगा, हम उसको थोड़ा प्रेयर और मेडिटेशन में गाइड कर सकते हैं. और भगवान का एक हायर कॉज है ना, हमारे ऊपर जो हायर कॉज है, भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, और ये सब चीज़ को उनको हम गाइड करके बोलेंगे भैया आप चिंता मत करो, भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, आप थोड़ा प्रार्थना में बिलीव कर लो, आपका आत्मा जो देने वाला है परमात्मा है, परमात्मा को थोड़ा विश्वास कर लो, ठीक है. कभी कभी है ना, फेथ इज़ द एलिमेंट ऑफ सक्सेस, यू नो फेथ काफ़ी सक्सेस देते हैं. ये वीडियो जो भी आप देख रहे हो, आप आत्महत्या मत करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. भगवान आपको बहुत हेल्प करने का सोचते, सिर्फ आप पॉजिटिव माइंड में रहना है और ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना है. और प्लीज़ इसका थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए, ये वीडियो आप एक बार पूरा देख लो. मैं आपका एक भाई सोच के, एक बहन सोच के, मैं आपका एक मदर जैसी, एक फादर जैसी, एक अंकल जैसी, एक आंटी जैसी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आत्महत्या मत कर लो. आपका ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, आप भी किसी को सेवा शुरू करो. काफ़ी लोग उनका फाइटिंग अच्छा कर रहे हैं. ये लाइफ इज जो फाइटिंग है, ये लाइफ, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, डोंट हेट अदर्स, प्लीज़ फॉरगिव पीपल हु हैव डन रॉन्ग थिंग्स टू यू. डोंट वरी, यू नो आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट का मैं बहुत विश्वास करता हूँ. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप जिस गॉड का विश्वास करेगा आप कर लो, जीसस क्राइस्ट को भी विश्वास कर सकते हैं. मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ. अभी तक आप ये वीडियो देखा हुआ है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप जरूर मत करना, ये मेरा वादा है, ये मेरा आपका रिक्वेस्ट है, ये मेरा मैं आपको पैर जोड़ के मैं बोलता हूँ मत कर लो. मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, अब हमें प्लीज़ इसको मत कर लो और आप मेंटल स्ट्रांग रह लो. मैं आपको करता हूँ प्रार्थना, पक्का आपका लाइफ चेंज होएगा. गॉड ब्लेस यू. ये आप वीडियो आप लाइक करेंगे, किसी को शेयर करना चाहते हो शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएगा. कभी मैं हमेशा डाथ के बारे में बोलता हूँ, आजकल मैं थोड़ा सुसाइड का सोचता, मैं बात करेंगे. मैं आपको एक छोटा प्रेयर करके मैं करूँगा. भगवान लॉर्ड आई प्रे दैट दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो लॉर्ड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, दे आर हैविंग अ टफ टाइम इन देयर लाइफ्स, बट आई प्रे दैट द लॉर्ड्स ब्लेसिंग बी अपॉन देम. उनका ऊपर आपका आशीष, आपका बरकत, आपका ब्लेसिंग्स रहना चाहिए. लॉर्ड उसको ब्लेस कर लीजिए, उसका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको हटा दीजिए. वो जो इसको दे के ना, थोड़ा सा दिल में आप उसके बात किया है ना, उसका आत्महत्या के आइडिया हटा के उसका ज़िंदगी जीने का है. ज़िंदगी एक लड़ाई है, उसको मैं लड़ूंगा करके एक फाइटिंग स्पिरिट दे दीजिए. भगवान उसको आप आशीर्वाद दीजिए. उसका प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम है, आपको उसका एक फाइनेंशियल हेल्प कर लीजिए, किसी से उसका हेल्प पहुँच जाएगा. उसका नौकरी नहीं है, उसका एक नौकरी दे दीजिए. उसका बीवी बच्चे के साथ उसका लड़ाई है, उसको थोड़ा उसको प्यार दीजिए ताकि वो प्यार से उसको माफ़ करके उसका लाइफ कर सकते हैं. जी मैं ये मेरा मैं आपका भगवान, मैं आपका पैर पकड़ के ये पूछता हूँ. ये लोग जो देखते हैं उसको जरूर नहीं करेंगे. ये वीडियो काफ़ी लोगों को रीच करके, काफ़ी लोगों को एक भलाई करने के लिए मदद कीजिए. मैं ये आपसे नाम में मानता हूँ. थैंक यू जीसस.
मैं जीसस से प्रार्थना करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और इसका आपका कमेंट लिख लीजिए आप क्या इसमें से सीखा है। एंड मैं बहुत खुश हूँ आप अभी तक देखा है, आपका ये प्रार्थना है, मेरा ब्लेसिंग है, मेरा प्रार्थना है, सब कुछ आपका है। मैं आपको आपको कोई मेरे से बात करने की इच्छा नंबर है वो भी आप बात कर सकते हैं आपको, मैं प्रार्थना फ़ोन में मैं करूँगा। प्लीज़ आप आत्महत्या मत करना, कोई भी प्रॉब्लम है हम देख सकते हैं, सबका लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं कर लीजिए, प्लीज़ मेरे से सुन लीजिए। प्लीज़ आई लव यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।